हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11। शो डेट वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तो लेट कर लो, इस वेक्टर को आप ए मान लो, एक मिनट भाई, एक मिनट। एंड इसको आप बी वेक्टर मान लो, माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप के कैप। ठीक है सर, मान लिया, अब आगे बढ़ो। ये दोनों कोलिनियर कैसे पता लगेगा? इस बी वेक्टर को देखो और इस ए वेक्टर को देखो, इसमें से कुछ बी में से कुछ कॉमन, किसी में से भी कॉमन निकालने की कोशिश करो। मान लो इसमें से आपने माइनस टू निकाला, मान लो इसमें से माइनस टू गया तो टू आई क्या बचा, इसमें से क्या बचेगा आपके पास? सर इसमें से टू थ्री जा, तो ये माइनस का थ्री हो जाना चाहिए ना, कॉमन लेना तो आता है आप लोगों को। माइनस का थ्री जे कैप, इससे मल्टीप्लाई करें वापस ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। अगला क्या आएगा आपके पास? प्लस का फोर के कैप। बी वेक्टर को देखो, क्या यहाँ पे माइनस का टू, और ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ए से मिल रही है कि? हाँ सर, मिल तो रही है। ए कैप लिख सकते हैं अपन। अब इस पे और नजर रख, इसकी जगह में लेमड़ा ए की फॉर्म लग रही है ना ये, सो लेमड़ा इक्वल्स टू माइनस टू देयर फोर गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर नहीं, गिवन वेक्टर। हाँ सर, कैसे पता लगा? जब भी हमारे पास इस तरीके से कंडीशन बन जाए कि एक लेमड़ा कांस्टेंट निकल जाए और ए और बी बाकी बराबर आ जाए, तो उस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, सीधी लाइन में। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।